आज आपको बद्रीनाथ की मूर्ति के बारे में रहस्यमयी बातें बताते हैं। ये भी जानेंगे कि कौन लोग इन्हें छू सकते हैं। स्वागत है आपका वैदिक टीवी में और मैं हूँ मेघा राधे राधे। दोस्तों, 8 मई के बाद बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर भगवान बद्री विशाल को शीतकाल के दौरान उड़ाया गया घृत कंबल श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण योग मुद्रा में विराजमान है और इस धाम को भू वैकुंठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि नारायण की पूजा 6 महीने मानव और 6 महीने देवताओं की ओर से उनके प्रतिनिधि के तौर पर नारद जी करते हैं। देव पूजा शीतकाल में यहाँ के कपाट बंद होने के बाद होती है। कौन छू सकता है इनकी मूर्ति? शीतकाल के दौरान भगवान नारायण की मूर्ति मानव पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ के नृसिंह मंदिर में ही कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान नारायण की स्वयंभू मूर्ति है और भगवान योग मुद्रा में विराजमान है। बद्रीनाथ की पूजा को लेकर दक्षिण भारत के केरल के पुजारी ही पूजा करते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। मूर्ति छूने का अधिकार भी सिर्फ पुजारी को होता है। बद्रीनाथ के मंदिर में गर्भगृह में श्री विष्णु के साथ नर नारायण की ध्यानावस्था मूर्ति भी है। शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति 1 मीटर ऊंची है और ये मान्यता है इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी के आसपास नारद कुंड से निकालकर मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया। इसे भगवान विष्णु की 8 स्वयंभू प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। ये मंदिर श्री विष्णु के 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। गढ़वाल हिमालय में 1803 में भूकंप आया था। इस मंदिर को काफी नुकसान भी पहुंचा था। इसके बाद जयपुर के धर्मपरायण राजा ने इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। इन्हें रावल कहा जाता है और ये आदि शंकराचार्य के वंशज हैं। बद्रीनाथ धाम में रावल को भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनको देवी पार्वती का स्वरूप मानते हैं। मान्यता है जिस दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं उस दिन माता पार्वती की तरह वो लोग श्रृंगार करते हैं, लेकिन उस अनुष्ठान को हर कोई नहीं देख सकता। बद्रीनाथ धाम को अलग अलग काल में अलग अलग नामों से भी जाना गया। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया। त्रेता युग में इस जगह को योग सिद्ध कहा गया और द्वापर में भगवान नारायण ने इस जगह स्वयं दर्शन दिए थे, इसलिए इसे मणिभद्र आश्रम या फिर विशाल तीर्थ कहा गया। वहीं कलयुग की बात करें तो बद्रिका आश्रम और बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी जानते हैं। मंदिर के पास अन्य 4 मंदिर हैं जिन्हें लोग योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के नाम से जानते हैं। इन मंदिरों के समूह को पंच बद्री कहा जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी और वैदिक टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि और जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। राधे राधे।